हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आज की वीडियो है कि हम इस लॉकडाउन में रहते हुए कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं जो कि हमारे काफ़ी दिन से रखे हुए थे, और बीच में जैसे खुला था एक दो दिन के लिए तो हम अपने नर्सरी जाके ये प्लांट्स ले आए थे। तो ये मेरा एक सिल्वर डस्ट का पौधा है और ये बहुत ही अच्छा है खुशबू वगैरह में। तो आइए हम इसे लगाने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अपनी कंपोस्ट डाल दी है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है और गोबर की खाद है, और थोड़ा सा इसमें हमारा लकड़ी का बुरादा है। तो हम क्या करेंगे कि इस पौधे को हम निकालेंगे और अपना जो ये कंपोस्ट रेडी है इसमें लगा देंगे। तो ये मैं लगा रही हूँ और हमें लगाते टाइम अपने पॉट को थोड़ा सा ज़मीन पे पटकना है ताकि इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो सकें और ये अच्छे से सर्वाइव कर सकें। ये देखिए मेरा एक फाइकस पांडे का पौधा है, ये मेरा दूसरा पौधा है जो मैं इसमें लगाने जा रही हूँ। मैंने इसमें कुछ सूखी पत्तियाँ भी भरी हुई हैं और कुछ बुरादे का चूरा है और अपना वही सब है किचन वेस्ट जो बना हुआ है मेरा, और गोबर की खाद सब कुछ है। और ये मेरा तीसरा पौधा गुड़हल का पौधा है, ये रेड कलर के फूल देता है, ये मैंने पहले भी दो तीन लगाए हुए हैं। सो मैं ये एक और लेके आई हूँ, तो हम इसे भी लगाने जा रहे हैं। और ये मेरा चौथा पेड़ है अरिका पाम का, जो कि ये भी हमने काफ़ी दिन से रखा हुआ था नर्सरी से लाके, और अब हम इसे लगाने जा रहे हैं। ये मैं कुछ पत्तियाँ डाल रही हूँ जो कि इस पेड़ के अंदर अपना कंपोस्ट का काम करेगी और ये अच्छी तरह से फिर पेड़ ग्रो हो जाएगा। ये देखिए मेरा एक रेड कलर का एक्सोरा है फ्रेंड, जब भी हम लाते हैं तो हमें ये चिकनी मिट्टी में पौधे तकरीबन लगे हुए मिलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, चिकनी मिट्टी को हटा देना चाहिए ताकि पेड़ अच्छे से ये ग्रो हो जाए, क्योंकि चिकनी मिट्टी इन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देती है, और इसलिए मैंने इसे पानी में डाल रखा था। काफ़ी हद तक इसको मैंने गीला करके निकाल लिया है, गर्मी का टाइम है, इसकी ज़्यादा मिट्टी नहीं निकालूंगी, नहीं तो ये मर जाएगा। कोशिश है कि जितना हो सकता है निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसे वॉश कर लिया है ताकि और जड़ें अच्छे से निकल सके और ये अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये हमें अब ऐसे लगा देंगे, क्योंकि मैंने सारी मिट्टी इकट्ठी ही रेडी कर ली थी जिसमें सारी कंपोस्ट और गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट सबको मिला दिया है मैंने। ये मेरे दो प्लांट हैं, मैं दोनों को लगा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी जैसे ये मेरा गुलाब का पौधा है, इसके मैंने सारे फूल तोड़ लिए थे, काफ़ी फूल थे इसमें गुच्छे के। ये देखिए इसमें एक बार कली में चार चार फूल आ रहे थे, तो ये लाल मिट्टी में था और लाल मिट्टी में पौधा कभी ग्रो नहीं करता, इसलिए हम जब भी नर्सरी से पौधा लाएं तो हमें उस लाल मिट्टी को, चिकनी मिट्टी को हमेशा रिमूव कर देना चाहिए ताकि हमारा पेड़ अच्छे से ग्रो करे। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें ये मेरा कंपोस्ट है, घर का किचन वेस्ट है रेडी, तो मैंने ये बिल्कुल रखा हुआ है। तो आइए हम अपना प्लांट्स लगाते हैं अब। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे लगाने जा रहे हैं
और ये जो मेरा पोट है ये हमने खुद अपने घर पे ही बनाया है। ये कुछ एक कार्टून की पड़ा हुआ था हमारा, उससे हमने इस प्लांट इस पोट को तैयार किया है। मैंने थोड़ी सी पीली पत्तियां हैं जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर दी हैं ताकि पेड़ की एनर्जी को ना ख़राब करें और ये अच्छे से फिर से फूट के ग्रो करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतने सारे प्लांट लगाए हैं और बारिश शुरू हो चुकी है तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा पानी दिया नहीं है। जैसे ही बारिश ज़्यादा हो गई तो काफ़ी ओवर हो जाएगा पानी, तो इसलिए मैं अभी छोड़ रही हूँ। तो हो सकता है कि इसमें बारिश का एक बहुत अच्छा पानी लगेगा हमारे प्लांट्स में और ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिएगा।